अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हुसैन तुफैल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स का सीरीज़ का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बाल एंड बाउल सिस्टम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना। जो बच्चे नए हैं, अगर उनको किसी भी किस्म का मसला है या फिर जो पहली दफ़ा ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप पिछले दोनों लेक्चर जो सीरीज़ के हमने बनाए हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करके आएँ, उसके बाद उनको समझें अच्छे से, ताकि ये जो आर्टिकल है इसकी आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि पहले भी बताया हुआ है कि मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगे, लिहाजा अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आपने इसको समझना है और मैं दोनों के मुताबिक यहाँ पर चीज़ों को लिखूँगा। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ वगैरह इस आर्टिकल में से बनेंगे वो इंशाल्लाह आपको लास्ट पे अंडरलाइन बुक से करवा दिए जाएंगे। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो असल में ये जब लॉन्ग में आता है तो इसके बारे में जब हमसे पूछा जाता है तो हमने प्रूव करना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसकी मोशन को? सिंपल पेंडुलम की मोशन। पिछले दो लेक्चर जो हमने पढ़े हैं वो भी और साथ में ये वाला भी, ये जब तीनों एक ही तरह से पूछे जाते हैं, जैसे प्रूव दैट मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक, ठीक है जी, साबित कीजिए कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है। प्रूव दैट मोशन ऑफ बॉल बॉल सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, साबित कीजिए बॉल और बॉल सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक, साबित कीजिए कि सिंपल पेंडुलम की मोशन, सादा पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है। स्टूडेंट्स, करते हैं जी स्टार्ट हमारा आज का आर्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की जो डेफिनेशन है ना वो हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक धागा लें और उसके साथ एक मैस, कुछ मैस की गोली बांधें, लेकिन जो धागा है ना वो लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट से क्या मुराद है कि उसका वेट बिल्कुल कम होना चाहिए, बिल्कुल ना होने के बराबर होना चाहिए इस गोली के मुकाबले में। जब हम ऐसे लटका देते हैं तो जो चीज़ हमारे पास वजूद में आती है उसी को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि ये जो है ना वो एक धागा है और धागे के साथ लटकाई गई एक गोली है। अब ज़रा इसमें देखने में तो ये कुछ भी आर्टिकल नहीं है बुक में, लेकिन इसमें बहुत सारी समझने वाली बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अब हमने जब इस धागे को नीचे लटकाया हुआ है तो इस बॉल का जो वेट है वो नीचे की तरफ फ़र्ज़ कर लें W है, और W का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है mg। अगर इसका मैस m है तो फिर इसका वेट क्या होगा? mg। अब धागे में जो है ना वो टेंशन भी पैदा होगी। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है कि अभी ये जो टेंशन और वेट है ना, जब हमने इसको लटकाया हुआ है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और कोई फोर्स, नेट फोर्स इस पर अमल नहीं कर रही। हम इसकी मोशन को प्रूव करना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक, तो मैं थ्योरेटिकली इसको जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक प्रूव करवाऊंगा। और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी माइनस x के, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इसका क्या मतलब है ये आप पिछले दो आर्टिकल जो है ना वो ब्रीफली देख के आए, फिर उसके बाद ये पता चलेगा। साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इस मोशन के लिए भी। अगर हम इसके लिए ये प्रूव कर देते हैं तो फिर समझ लें हमने साबित कर दिया कि इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है। इसके लिए हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे ला के रखा। लेट्स सपोज कि ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इसका हमने लिया जी एक्स बाहर की तरफ, ठीक है जी, एक्स डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इसको हमने खींच लिया। अब जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, पहले वाली पोजीशन थी, तो इसका इसके साथ बनने वाला एंगल थीटा है ये। ओके जी, तो धागे में टेंशन तो अब भी है और वेट इसका नीचे की तरफ है। हमने इसको उठाया है यहाँ पे, यहाँ पे लाके रख दिया, हमने छोड़ा नहीं है। आपको भी पता है कि ये आना चाहेगा अंदर की तरफ,
हमेशा क्यों, पिछले दो आर्टिकल में यही आपने पढ़ा है, एक फोर्स इस पर अमल कर रही है जो इसको लाना चाहती है अंदर की तरफ, उस फोर्स को नाम दिया था हमने रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है जी। तो ये वो फोर्स थी जो कि इसके ऊपर अमल कर रही थी, वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है। हम देखना चाहते हैं कि पिछले आर्टिकल दोनों में हमें पता चल गया कि स्प्रिंग को रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलती थी, बाल और बाउल को रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलती थी, वो उस आर्टिकल में आपने पढ़ लिया। आज हम ये देखेंगे कि इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिल रही है। इसका वेट है जी नीचे की तरफ। इसको रीस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसको रीस्टोर करना चाहती है, मतलब पहले वाली जगह पर ले जाना चाहती है इसको, जहाँ से इसको उठाया था हमने, ठीक है जी। तो ये जो वेट था ना, बज़ाहिर अभी हमें तीन फोर्सेस नज़र आ रही हैं, ये जो वेट था ना, इसी ने जो है ना वो, इसी का ही वो हिस्सा है जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन था वो बिल्कुल इस धागे की तरह नीचे की तरफ था। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करूँ तो इसके साथ बनने वाला एंगल भी जो है ना वो सेम था, ठीक है जी। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो फोर्स थी रीस्टोरिंग फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है। अगर आप देखें तो अगर मैं कोई फोर्स, इतनी ही फोर्स इधर ले लूँ इसके पैरेलल, तो जो इफेक्ट इस फोर्स का है वही इफेक्ट इस फोर्स का है, ये बात क्लियर रखें जी आप, ठीक है जी। तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया। अगर हम वेट जो है उसको अगर हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, या नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था जी कि फोर्स को अगर उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाए तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक थीटा के सामने वाला एफ वाई और जो दूसरा होता है वो एफ एक्स, यानी एक था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये नाइन्थ क्लास की बात बता रहा हूँ, और एक था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे। ये फोर्स की रेजोल्यूशन वाला अगर आपको आर्टिकल याद हो तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे फोर्स एफ नहीं है बल्कि फोर्स कौन सी है, डब्ल्यू फोर्स है जी, ठीक है जी। तो ये जो डब्ल्यू फोर्स है ना, ये वाली जो इसका वेट था, इस वेट को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ये देखने के लिए कि रीस्टोरिंग फोर्स हमें कहाँ से मिलती है। हमने इसके वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जब हमने इसको यहाँ पे ला के रखा हुआ था, तो इसका वेट तो बिल्कुल नीचे की तरफ था, लेकिन एक फोर्स ऐसी थी जो इसको ऊपर की तरफ भी ले जाना चाहती थी। जब हमने इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया तो ये जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है, आपको पता है ये कौन सा होता है, एफ वाई, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा था एफ साइन थीटा, यानी कि ये होगा डब्ल्यू साइन थीटा। और जो तीसरा कंपोनेंट, ये तो खुद वेट था ना जिसकी रेजोल्यूशन हो रही है, जिस फोर्स की रेजोल्यूशन हो रही है, ये खुद वेट था, ठीक है जी। और जो तीसरा बचेगा वो कौन सा होगा, डब्ल्यू एक्स, वेट का एक्स कंपोनेंट, डब्ल्यू कॉस थीटा। हम देख रहे हैं कि ये जो टेंशन है ना, ये डब्ल्यू कॉस थीटा के अपोजिट है, लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर बचेगा कौन कंपोनेंट हमारे पास, सिर्फ डब्ल्यू साइन थीटा। और यही डब्ल्यू साइन थीटा इस बॉडी को रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर इस पर अमल कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि रीस्टोरिंग फोर्स इसको कहाँ से मिलती है। मैं एक नई शक्ल बनाता हूँ और फिर उसमें आपको वजाहत करवाते हैं जी कि कैसे ये वाइब्रेटरी मोशन इसकी कैसे होती है। अब फिर वही काम आ गया जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है, बाकी सारा कुछ वही है। इसमें यही एक चीज़ समझने वाली थी कि वेट का जो कंपोनेंट है ना डब्ल्यू साइन थीटा, ये असल में है क्या, बला बुक में लिख दिया है उसने कि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलती है, वेट के कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा। तो मैंने आपको बता दिया है कि वेट का जो कंपोनेंट है ना वो हमने कैसे बनाना है। अब हम दोबारा इसी शक्ल पे आते हैं कि हमने यहाँ पे ला के इसको जो है ना वो छोड़ दिया, इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही थी एफ रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि है असल में क्या, डब्ल्यू साइन थीटा, और डब्ल्यू साइन थीटा के देरे असर ये अंदर की तरफ आना शुरू हो गया। अब फिर वही काम पुराना, ये ओ पोजीशन जो इसकी थी इस पर आके रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, पहले भी पता आपको एनर्शिया की वजह से, और फिर ये दोबारा एक नई पोजीशन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। उस पोजीशन को हम अक्सर नाम देते हैं बी, पहले भी यही दिया हुआ है, ठीक है जी। तो फिर ये ए से ओ, ओ से बी, और फिर दोबारा बी से ओ, फिर ओ से, और इस तरह से जो है ना ये अपनी मोशन को जारी रखेगा। इसकी मोशन को आज हमने प्रूव करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बॉल बॉल सिस्टम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ज़रा देखिए,
जो जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। और पिछले आर्टिकल में बताया है कि जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो फिर एक्सेलरेशन जो है ना ये पॉजिटिव होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिधर को बॉडी जा रहा होता है। ओ तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ओ पे आगे ठहरेगा नहीं, जो ही ये आगे निकलेगा अब रिस्टोरिंग फोर्सेस को दोबारा नीचे की तरफ, वेट इसका नीचे की तरफ है, दोबारा अपोजिट अमल कर रही होगी इसके रिस्टोरिंग फोर्स, और जो जो ये आगे की तरफ हरकत कर रहा होगा इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि एक फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रही है। लेकिन ये इनर्शिया की वजह से जा रहा था, अब उस फोर्स ने इसको अपोजिट खींचना शुरू कर दिया। जब फोर्स अपोजिट लग रही है बॉडी आगे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम होगी, जब उसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, ये पहले ही आपको पता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी के अपोजिट है, तो बॉडी ओ से बी की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन बी से ओ की तरफ यानी बॉडी के मुखालिफ। हम देख रहे हैं कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, हर सूरत में एक्सेलरेशन किधर को है, अंदर की तरफ है, लिहाजा एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये चीज़ हमने जो प्रूव करनी थी वो हो गई है। और दूसरा, आप जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी में चेंज भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना वो प्रूव हो गई है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, लिहाजा सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन थी उसका भी मैंने आपको लास्ट पे एक फार्मूला था टाइम पीरियड का, वो मैंने नहीं करवाया, ठीक है। मैं सिंपल पेंडुलम का भी अभी टाइम पीरियड का फार्मूला आपको नहीं करवा रहा, लॉन्ग में ये लिखना होता है आपने, ठीक है जी। मैं ये क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि पहले हमें टाइम पीरियड को समझना है, तो आगे एक दो लेक्चर के बाद हम इन चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये फार्मूले किस चीज़ के हैं। ओके जी, आज के लिए इतने काफ़ी है, उम्मीद है आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल रेकमेंड करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन आपकी हमारा फ्यूल है, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।